करना है। गांव में मतलब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो है आवास का, लेकिन हमारे गांव में लगभग झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, और पूर्व प्रधानों द्वारा आज तक आवास एक दो आवास दिया गया और वह पात्रों को दिया गया, जो पात्र हैं वो भी बाकी बचे हुए हैं, उन्हीं का मतलब प्रयास है कि सबसे पहले आवास कराया जाए, फिर गाँव के जो नाले नर्दा टूटे हैं वो इंटरलॉकिंग कराया जाए। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यानी आईपा, आईपा के मंच पर हम खड़े हैं बाराबंकी के फतेहगंज ग्राम सभा में, जहां पर हरिनाम वर्मा हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान। आपको बता दें कि ये जो मंच है प्रगतिशील राजनीति, गांव का विकास, ग्राम सभा का विकास और साथ ही साथ जो भी ग्राम समस्याएं, विकास की समस्याएं हैं, उन मुद्दों को उजागर करता है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी आप प्रधान रहे हैं? नहीं, पहली बार प्रधान हुए। पहली बार प्रधान रहे हुए हैं, तो किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा था, क्या ऐसा लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, हमने विकास का मुद्दा रखा था, विकास गांव का विकास हो रहा है। अच्छा, जब प्रधानी का चुनाव लड़े थे तो क्या समस्याएं, दो तीन ऐसी समस्याएं जो दिमाग पर रही हो कि अगर जीतते हैं तो इनको सबसे पहले दूर करेंगे? नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग, यही सब समस्याएं थी हमारे गाँव की। आवास विहीन गाँव था। कितने लोगों तक आवास वगैरह की? आवास अभी सूची नहीं जारी है, सूची बनेगी नहीं, बन रही है उसी में आवास। अच्छा, अभी जल्दी ग्राम पंचायत का गठन हुआ है अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य की क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं लोगों की? स्वास्थ्य के हमारे गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध है इसमें। अच्छा, एक अस्पताल बना हुआ है, वो भी मतलब कोई राग मालिक नहीं है, तो यहाँ से लगभग जाना पड़ता है 8 किलोमीटर आवास। तो जाहिर सी बात है, आने वाले जो 4 साल बचे हैं उसमें आप जरूर चाहेंगे कि गाँव में बनवाया जाए। अच्छा, उसके लिए प्रयास भी किया जाएगा। प्रधान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, चाहे विधायक हो, सांसद, उससे महत्वपूर्ण प्रधानी का पद होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधान घर घर प्रत्येक व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं अपने परिवार के मुखिया के अलावा पूरे ग्राम सभा के परिवार का मुखिया होता है। ऐसे में गाँव में बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि लोग लड़ते हैं, लड़ जाते हैं, तो सीधे प्रधान के पास आते हैं, तो उनको कैसे उन समस्याओं को हल करते हैं? कुछ समस्याओं का सॉल्व यही कर दिया जाता है, समझा बुझा करके। जो नहीं समस्या सॉल्व हो पाती है तो 112 आती है, तो दोनों को डांट डपट के समस्या सॉल्व कर जाती है। ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि लोग थाने तक ना जाए। अच्छा, अभी और कौन सी चीज़ें हैं गांव में जो विकास के लिए आप सोच रहे हो कि हमें अभी ये 4 सालों में इन कामों को आगे करना है? गांव में मतलब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो है आवास का, लेकिन हमारे गाँव में लगभग झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, और पूर्व प्रधानों द्वारा आज तक आवास एक दो आवास दिया गया और वह पात्रों को दिया गया, जो पात्र हैं वो भी बाकी बचे हुए हैं, उन्हीं का मतलब प्रयास है कि सबसे पहले आवास कराया जाए, फिर गांव के जो नाले नर्दा टूटे हैं वो इंटरलॉकिंग कराया जाए। अच्छा, किसान जो है वो गांव का अभिन्न अंग है, किसानों की समस्याएं बहुत होती हैं। हाँ। जैसे कि जानवर की समस्या हुई, साथ ही साथ कभी खाद की किल्लत, कभी बीज नहीं मिल रहा है, तो हालांकि जो चीज़ें आपके दायरे में आती है वो तो ठीक है, जो चीज़ें दायरे में नहीं आती हैं हमारे दायरे में नहीं आती हैं, खाद बीज ये तो हमारे दायरे में। लेकिन अगर आप समस्या लेकर कोई आपके पास आता है, जानवर वानवर छुट्टे घूमते हैं तो इनको पकड़वाया जाता है बीच बीच में, किसानों की समस्याओं को सुनकर। बाबा की खाद बीज की समस्या भाई हमसे दूर नहीं हो पाएगी, और दुकान से मिलती है, सरकार देती है, बस और कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दूसरे प्रधानों से, किस प्रकार से कार्य करें? नहीं, कहना क्या है भाई, सभी प्रधान काम करते हैं अपने अपने सोच से, हर प्रधान की सोच अपनी अपनी होती है, कोई विकास की आप सोच किस तरीके से काम करते हैं कि जनता जो है हमारी खाली सोच है खाली गांव के विकास, बाकी और कोई सोच नहीं है। गांव का विकास, हर व्यक्ति का विकास, ना कोई अपना। हमको 8 महीने प्रधान ही हुए हम पाए, हमने 800-900 मीटर इंटरलॉकिंग लगवा दिया है, पंचायत भवन बनवाया है, बाकी तालाब वाला खुद रहे हैं, मेरबंदी कार्य चल रहा है, यही सब होता है। मतलब विकास का विकास पूरा का प्लान है और आगे भी करेंगे, आगे करेंगे। अगली बार जब चुनाव लड़ने जाएंगे तो एक बार खाली जाएंगे चुनाव लड़ने, एक बार कहने। अच्छा, विकास जैसे अब नए नए बने, पहली बार बने, तो कुछ विकास करने में कुछ समस्याएं भी आती हैं? नहीं, समस्या कोई नहीं है, सरकार दे रही है, ब्लॉक के अधिकारी ठीक है, बराबर निधि किस्त आ रही है, नरेगा से वो काम मिल रहा है, काम करवा रहे हैं, कच्चा मिल रहा है, पक्का मिल रहा है बराबर। अच्छा, चुनावी टाइम है, विधायक का चयन होना है, नई सरकार का बनना है, और कहीं ना कहीं प्रधान जो है विधायक से जुड़ा होता है। तो ऐसे में जो विधायक बने, कोई भी बने, लेकिन उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो कैसे काम करे? भाई विधायक बनेगा उससे प्रयास करेंगे कि 100-200 मीटर 500 मीटर हमारे गाँव में खंजा निर्माण RCC कुछ कराइए, ये विकास होता है भाई, कहना हमारा प्रयास करे या ना करे, क्षेत्र लंबा होता है विधायक का। तो प्रधान जी ने साफ तौर पर कहा कि विकास के मुद्दे पर राजनीति में उतरा हूँ, पहली बार मैंने जो है चुनाव लड़ा है और विजय प्राप्त किया है। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि विकास करते रहेंगे अगले 4 साल में, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, इसके अलावा जो भी आवास सबको दिलाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रधान जी ने बातें कही। प्रधान जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ये हमारा जो मंच है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव
का ये जो मंच है आइपा, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये लोगों की आवाज़ को, आपके जैसे कोई समस्या है या अन्य लोगों की समस्या, विकास के मुद्दे, समस्याओं को उजागर करता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा मंच है? नहीं, मंच तो ठीक है, लेकिन विकास हमारे हिसाब से आए, हमको विकास मिल रहा है, विकास कर रहे हैं। 8 महीने की प्रधानी में 40-42 लाख काम कराया गया है, पक्के काम का, कच्चे काम भी चल रहा है बराबर। तो बिल्कुल, प्रधान जी ने कहा है कि विकास लगातार हम करा रहे हैं, हमको निधि प्राप्त हो रही है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। आलोक श्रीवास्तव, आइपा, बाराबंकी।